মোড ডক্টর সুভাশিস মিশ্র কাম করে এজ এ বেসিক্যালি এজ এ রেডিয়েশন অনকোলজিস্ট মানে ক্যান্সার পেশেন্ট মানক সহ ডিল করে ক্যান্সার পেশেন্ট যদি আমি কহিবা ব্রডলি এটা গোটে বহুত ওয়াইড স্পেক্ট্রম অফ পেশেন্ট কু বুঝায় তা ভিতরে বহুত প্রকার সব ক্যাটাগরি পেশেন্ট তা ভিতরে অন্তর্ভুক্ত হবে মুখ্যত ক্যান্সার উপরে যদি আমি ডিসকশন করিবা মুখ্যত আমি তিনিটা ক্যাটাগরি আমি ডিভাইড করি পারিবা ধর जन डायग्नोसिस डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्टार्ट ट्रीटमेंट मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट हाँ पूर्ववर्त अवस्था से अच्छा सेकेंड ग्रुप ऑफ पेशेंट जो मैंने एक्टिव ट्रीटमेंट फेज मैंने सर्जरी हूँ केमोथेरापी हूँ रेडियोथेरापी तीन टाइम कैंसर ट्रीटमेंट मध्यम तो ये तीन टाइम ट्रीटमेंट को एक्टिवली रिसीव कर ग्रहण कर ट्रीटमेंट फेज थर्ड कैटेगरी पेशेंट हेल्ले जो मैंने कंप्लीटेड ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट एक्ट ट्रीटमेंट पार्ट सरी আমার অঙ্কোলোজি গোটে ইন্টিগ্রাল পার্ট থাকি ফলো আপ সেডিউল আর সে ফলো আপ রে আছেন অর্থাৎ চেক আপ রে আছেন একটিভ ট্রিটমেন্ট পার্ট সেমানে অলরেডি সারি দিয়েছেন তো তিনটা ক্যাটাগরি ভিতর আমার প্রথম ক্যাটাগরি যেটা কইলে কি ইয়ার টু স্টার্ট ট্রিটমেন্ট ডায়াগনোসিস কি ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করি আপনি আছেন সেমান অফ দিস আর থার্ড ক্যাটাগরি মানে ট্রিটমেন্ট সারি দিয়েছেন দে আর অ্যাবসলিউটলি সেফ টু টেক ভ্যাকসিন মানে যে মানে একটিভ ট্রিটমেন্ট রে নাহান্তি সেমানে অ্যাবসলিউটলি ভ্যাকসিন নেই পারিবে নেক্সট ক্যাটাগরি আমার যে रही जो माने कि एक्टिव ट्रीटमेंट नौ से एक्टिव ट्रीटमेंट फेज जो माने से वैक्सीन रिकमेंडेशन कौन तो एक्टिव ट्रीटमेंट जो नौकरी मध्य पुणी दुईटा कैटेगरी डिवाइड कर जो माने हाई रिस्क अच्छा जो माने स्टैंडर्ड रिस्क तो से हाई रिस्क कैटेगरी आम क्या कह जो मैंने ब्लड कैंसर हिमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी जो मैंने एफेक्टेड दुई नंबर कथ जो मैंने बोनमारो ट्रांसप्लांट हाँ जो मैंने प्लानिंग अच्छा कंडीशनिंग रेजिमेन होजिमेन हाई डोज केमोथेरापी रिसीव कर तृतीय जो मान मेजर सर्जरी किसी रिसेंटली होगा प्लान अच्छे एम केस वैक्सीन नाप प्रिकसन गाइडलाइन प्रणयन कर प्रिकसन धर एम टे वेट करा बेटर कहीं से जो इम्यूनिटी बुस्ट कैर जो ल्यूकोसाइट काउंट से लोअर साइड थाए तो से ल्यूकोसाइट काउंट रिकवरी जो मैंने एक्टिव हिमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंस पाखापाखि तरह रिकमेंडेड गाइडलाइन है टू टू थ्री मंथ्स खंडे वेट कर जाती हिमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंस बाकी अन्य कैंसर पे जो मैंने इवन ट्रीटमेंट रे अच्छा जो मैंने केमोथेरापी हो कि रेडियोथेरापी हो रिसीव कर एक्टिव ट्रीटमेंट थे भी से वैक्सीन नहीं पारे एज नॉर्मल अन्य माने जमती रेडियोथेरापी किसी कंट्राइंडिकेशन नुह ऑब्स्ट्रक्शन नुह नहीं पारे केमोथेरापी भी नहीं पारे अनलेस अंटिल हाई डोज केमोथेरापी जो टिपिकल ब्लड मैलिग्नेंस यूज कराए जोटा कि बोन मारो को सप्रेस कै इम्यूनिटी को सप्रेस कै सो दैट फर्दर ट्रीटमेंट बेटर हम बोली सप्रेस कै से आम जो वैक्सीन दवा तो अगेंस्ट एंटीबॉडी क्रिएट करिया परिवर्तन बॉडी रो इम्यूनिटी जेहेतु सफिशिएंट नथिबो तो बॉडी प्रोन थिबो कि अफेक्टेड होवा से मानो केसि किछटा प्रिकॉशन एडवाइस करा जाय विभिन्न रोगर कारण ओ निराकरण संपर्क रे डाक्टरन गठारु जानिबा पई स्वास्थ्य प्लस ओडिया रो YouTube चैनल सब्सक्राइब करंतु।